नाजरीन, आज जिस एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद लाजमी तौर पर आप सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया में जब से ये कॉल लीक हुई है उस वक्त से एक सकते का समा है। तमाम हिंदुस्तानी सर पकड़ के बैठ गए हैं और ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मोदी इस हद तक गिर सकता है कि वो हुकूमत के लिए अपने फौजियों तक को मरवा दे। नाजरीन, अवि डांडिया जो कि एक NRI हैं और बैरूनी मुल्क मकीम हैं, उन्होंने ये दावा किया है और ये ऑडियो टेप वो मंदिर यहाँ पर आज लेकर ही आए हैं। और जब से ये ऑडियो टेप लेकर ही आए हैं, इंडिया के मीडिया में भी सख्ता इस वक्त आ चुका है, सरकार मुकम्मल तौर पर सख्ते में है और इंडियन अवाम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमें इतने अरसे से ये लोग झूठ बोल बोल के एक वॉर हिस्ट्री क्रिएट करके इन लोगों ने क्या किया है हम लोगों के साथ। नाजरीन, अवि डांडिया उन्होंने ये दावा किया है कि ये टेप मैं हर फोरम के ऊपर ले जाने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी को शक है कि ये झूठी टेप है तो हर किसी भी फोरम के अंदर मैं सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। नाजरीन, आइए आपको मैं मजीद अपनी बातों में नहीं उलझाऊंगा, सीधा मैं आपको डायरेक्ट टेप की तरफ लेकर के आऊँगा। इसमें से मैं अवि डांडिया का 2 मिनट का एक क्लिप भी मैं दिखा रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने ये टेप चलाई है और सुनाई है। आप ये देखें और खुद सोचें कि इंडिया जो कि अपने आप को इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क बोलता है, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बोलता है, लेकिन उनके सामने उनके फौजियों की, उनके सेनाओं की जो औकात है वो ये कहते हुए सुना जा सकता है कि फौजी तो आर्मी में भर्ती ही शहीद होने के लिए होता है। तो ये है नाजरीन मोदी सरकार का असल चेहरा, ये है नाजरीन मोदी सरकार के असल करतूत के खुद एक काम करके झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया और ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी दावा किया, जो कि इससे पहले भी बहुत दफ़ा इंडिया ने दावे किए और इंडिया के हर दावे रेत की दीवार की तरह साबित हुए। तो नाजरीन, आइए आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने।
मैं बताता हूँ।